मंगलवार देर शाम यमुनानगर की रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी में एक 57 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला रेलवे वर्कशॉप की कैंटीन में काम करती थी और घर पर अकेली रहती थी। महिला का शव बिना कपड़ों के आधा फ्रिज में और आधा फ्रिज के बाहर मिला। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे हत्या के बाद महिला के शव को फ्रिज में रखने का प्रयास किया गया हो। वहीं इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए यमुनानगर के SP सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ मौके पर पहुंचे, मगर अभी तक हत्या की गुत्थी रहस्य में बनी हुई है। ये महिला, इनकी उम्र लगभग 57 साल है, तो इनकी जो डेड बॉडी है वो जो सरकारी क्वार्टर है तो यहाँ पे मिली है। तो तमाम पुलिस के जो भी SHO हैं, दूसरे अधिकारी हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम, हम सभी ने मौके का मुआयना किया है। जो भी इसमें पोस्टमार्टम के बाद या जो हमें सबूत मौके से मिलेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये हत्या किन कारण। हाँ, ऐसा लग रहा है कि फ्रिज में डालने की कोशिश की गई। तो ऐसा भी लगता है कि रेप किया गया है? देखिए, इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम के बाद या जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके बाद ही हो पाएगी। प्राइमा फेसाइली देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है, बट मैं स्पष्ट तौर पर अभी इसके बारे में नहीं बता।